हाय गाइस, द सिंपल रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वर्ल्ड की सबसे महंगी फिल्म अवतार 2 द वे ऑफ वाटर। इस फिल्म को देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी उसकी कॉन्टिन्यूशन है। फिल्म की शुरुआत में जेक अपने परिवार और नावीज के साथ पंडोरा के जंगल में खुशहाल जिंदगी बिताते दिखाई देते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, क्योंकि पंडोरा में ह्यूमंस की वापसी होती है और कहानी में एक रिवेंज एंगल आ जाता है। जेक अपने परिवार और नावीज को बचाने के लिए फॉरेस्ट से दूर एक आइलैंड चले जाते हैं। यहाँ के लोग फॉरेस्ट नावीज से बहुत अलग हैं और बच्चों को आउटकास्ट की तरह ट्रीट करते हैं। सली फैमिली इस न्यू एनवायरनमेंट में कैसे अडैप्ट करती है और जेक अपने परिवार को कर्नल माइल से कैसे बचाते हैं, पूरी कहानी इसी पर निर्धारित है। फिल्म एक विजुअल ट्रीट है जिसका पूरा मजा आपको थिएटर में ही मिल सकता है। पंडोरा के फॉरेस्ट से लेकर एनिमल्स, नावीज और अंडरवाटर दुनिया को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। आईमैक्स 3D में अंडरवाटर सीन्स इतने डिटेल्ड एंड रियल लगते हैं कि कुछ टाइम तक भूल जाते हैं कि ये सच है या मूवी। मूवी का रन टाइम 3 hours 5 minutes है। फर्स्ट हाफ न्यू कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करने और पानी की दुनिया को एक्सप्लोर करने में फोकस्ड होने की वजह से थोड़ा लंबा लगता है, बट सेकेंड हाफ एक्शन पैक्ड और ग्रिपिंग। फिल्म फैमिली वैल्यूज, पेरेंटल इंस्टिंक्ट्स एंड प्योर रिलेशनशिप पे फोकस करती है। फर्स्ट पार्ट की तरह एक तरफ नेचर और नावीज का एक खूबसूरत बॉन्ड दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ एनिमल्स और नेचर को एक्सप्लॉइट करने की सेल्फिश ह्यूमन टेंडेंसी को भी हाईलाइट किया गया है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, ये फिल्म एक अनोखा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जिसे आपको थिएटर्स में 3D इफेक्ट्स के साथ ही देखना चाहिए। पूरा पैसा वसूल है। अवतार 1 अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। क्या लगता है, अवतार 2 इसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।